नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस। आज हम जानेंगे जब किसी का कोई सामान, व्हीकल या कोई और कीमती वस्तु चोरी हो जाए और उसके बाद उस चोरी के संबंध में संबंधित थाने में FIR या मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए और उसके बाद पुलिस द्वारा उस सामान को चोर से या किसी अन्य स्रोत या किसी अन्य प्रकार से बरामद कर लिया जाए, तो कैसे उस सामान को या कोई व्हीकल को या कोई भी चीज़ जो चोरी हुई है उसे हम कोर्ट के द्वारा कैसे वापस लें, ये सारी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब हम जान लेते हैं कैसे प्रक्रिया होती है किसी सामान को जो चोरी हो गया है और पुलिस द्वारा बरामद कर लिया है उसे उसके असल मालिक द्वारा कोर्ट से प्राप्त करने के लिए। तो जैसे ही कोई सामान हमारे घर से, कार्यालय से या किसी हमारे कब्जे वाले क्षेत्र से गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी सूचना सबसे पहले अपने संबंधित थाने में अवश्य दी जानी चाहिए। शिकायत मिलने पर पुलिस FIR दर्ज करती है और चोरी हुए सामान की तलाश शुरू करती है और इस तलाशी में या कार्रवाई में यदि पुलिस हमारे सामान को बरामद कर लेती है या प्राप्त कर लेती है तो उसे कोर्ट के माध्यम से ही हम वापस ले सकते हैं। पुलिस सीधे सामान को हमें नहीं दे सकती क्योंकि इसके लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। पुलिस हम सब नियमों से बंधे हुए हैं और नियम के मुताबिक कोई भी चोरी का सामान जो पुलिस द्वारा बरामद किया जाता है उसे उसके असल मालिक को कोर्ट के माध्यम से ही सुपुर्द किया जाता है या सौंपा जाता है और ऐसी सुपुर्दगी के लिए सामान के असल मालिक द्वारा कोर्ट में अपने सामान को प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया जाता है या एप्लीकेशन दी जाती है, जैसे आप समझे। और इस प्रकार का आवेदन हम संबंधित कोर्ट में हम स्वयं पेश होकर भी दे सकते हैं या किसी एडवोकेट या वकील के माध्यम से भी ऐसी एप्लीकेशन अपने सामान को बरामद करने के लिए या कब्जा में लेने के लिए लगाई जा सकती है। जैसे ही संबंधित न्यायालय में ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाती है तो कोर्ट उस पुलिस के थाना अधिकारी को या आप समझे कि SHO को उस दरखास्त पर रिपोर्ट करने के लिए आदेश करता है कि क्या वास्तव में ऐसा सामान चोरी किया गया है और इसके संबंध में थाने में कोई मुकदमा दर्ज किया है और क्या वास्तव में कोई सामान पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इसके बाद संबंधित थाना उस दरखास्त पर अपनी रिपोर्ट लिखकर उसी न्यायालय को वापस भेजता है और जब न्यायालय को यह लगे कि वास्तव में जो दरखास्त दी गई है और उसमें जो फैक्ट या जो बातें बताई गई है वो सारी सही है और थाने द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, वह चोरी का माल या जिस व्यक्ति का सामान चोरी हुआ है वह बरामद किया गया है, तो पुलिस तो वह न्यायालय आदेश करेगा कि इसके असल मालिक को सामान सुपुर्द कर दिया जाए। तो और इस प्रकार से हम कोर्ट के आदेश से अपना सामान वापस ले सकते हैं।
उम्मीद है वीडियो में बताई गई बातें जरूर आपको अच्छी लगी होगी व आपके लिए काम की और उपयोगी भी सिद्ध रही होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।